Oh, look at his eyes. People are like coming like crazy. ये देखिए 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 देखिए, बहुत scary लग रहा था. तो गाइज ये हम पहुंच गए जू में, अब हम अंदर जाएंगे. मंडे को क्लोज रहता है भाई. तो गाइज इफ यू पीपल आर कमिंग टू धर्मशाला विथ योर किड्स एंड आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए कहाँ जाए, देन दिस इज द बेस्ट प्लेस. आप यहाँ पे आ सकते हो अपने बच्चों के साथ. इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. टिकट्स आर वेरी चीप. अडल्ट का मेरे को 50 रुपीज पड़ा और बच्चों का मैं आपको जाते वक्त बताऊंगी कि कितना पड़ा है, क्योंकि मैंने ध्यान से देखा नहीं है बिकॉज मेरे साथ कोई बच्चा है नहीं. चलो टिल देन विल गो इनसाइड एंड चेक द जू. तो गाइज ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है. पीपल आर लाइक कमिंग लाइक क्रेजी इन द जू. मतलब बहुत अच्छा होगा ऐसी फील आ रही है. हम यहाँ पे जा रहे हैं हिमालयन बेयर को देखने के लिए. तो लेट्स गो. तो वो देखिए वहाँ पे एक बेयर है. इट्स अ वाइल्ड बेयर. वहाँ पे भी एक बैठा हुआ है पानी के यहाँ पे. और रोहित इज टेकिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेयर. गाइज अभी मेरे को ना इसका मुंह दिखा लेकिन. हाँ देखो देखो उसका मुंह. हाँ वो तो देखा मैंने. ये देखिए 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 कितना नजदीक से दिख रहा है. ये देखिए रोहित को रिक्वेस्ट आई है किसी की फोटो खींचने के लिए. तो रोहित इज क्लिकिंग द पिक्चर. इस वाइल्ड बेयर तो देखा. इट वॉज सीरियसली मतलब बहुत स्कैरी लग रहा था. अब हम जा रहे हैं दूसरे एनिमल्स देखने के लिए. अंदर पता नहीं कौन से एनिमल्स है बट अंदर जाएंगे, उसके पहले तो पता ही नहीं चलेगा. इसको देखो कितनी घाई है, मतलब कितनी जल्दबाजी अंदर जाने की. इट्स गोइंग सो फास्ट. यहाँ पे बहुत ही टाइप्स के बर्ड्स है. आई कैन नॉट इवन काउंट इतने बर्ड्स है. तो गाइज एंट्री मारते ही ना आपको सबसे पहले बच्चों का गार्डन दिखेगा वेयर किड्स आर प्लेइंग एंड एंजॉयिंग. कौन छोटा था और जब छोटे थे तब इस वाले पे खेलते थे. मैं तो बहुत ज्यादा खेलती थी. तो गाइज यहाँ पे है इंडियन ब्लैक टर्टल, वो देखने जा रहे हैं. तो गाइज ये यहाँ पे टर्टल है. तो गाइज अभी हम आए हैं ग्रे पीकॉक फीजन देखने के लिए. ऐसा दिखता है फोटो के हिसाब से. और ये देखिए वाव क्या लग रहे ये पीकॉक. ये देखिए गाइज गर्दन में कुछ कैसे लग रहे है? ऐसा लग रहा है कपड़े पहने. हाँ और एक यहाँ पे भी है वहाँ पे. बहुत अलग ही लग रहा है. गाइज ग्रे पीकॉक फीजन तो देख लिया. इट वाज सो वंडरफुल. मतलब कितना प्यारा लग रहा था. अब हम क्या देखने जा रहे हैं? ये देखने जा रहे हैं हम अफ्रीकन ग्रे पैरट. ओ वाओ सो क्यूट. तो गाइज ये वाला है अफ्रीकन पैरट और दूसरे वाले जो है ना ये वाले, ये है रेड जंगल फोल. तो अलग ही है. गाइज अब हम देखेंगे भूटान का ग्रे पिकअप ये वाला. ओह उड़ गया. अच्छा उड़ा उड़ता भी है. ऑब्वियसली बर्ड्स है उड़ेंगे तो सही. गाइज अभी हम दूसरा वाला बर्ड देखने आए जिसका नाम है कलीज फीजेंट. तो वो दिखा दो. तो ये है कलीज फीजेंट और ये उसका एक्चुअल पोस्टर है. ये देखे सो क्यूट. अपना मुंह नहीं दिखा रहा. हाँ हाँ ये देखे ये देखे. और नेक्स्ट हम देखेंगे चियो फीजेंट. चियो फीजेंट और ये उसका एक्चुअल लुक है. तो ये वाला है चियो फीजेंट ये वाला. और गाइज ये देखिए हमारा इंडिया का पैरट कितना ब्यूटीफुल है. और गाइज ये भी कोई पिकॉक की ब्रीड का ही बर्ड है. पता नहीं कौन सा है, नाम तो नहीं लिखा हुआ. इस बर्ड वाला सेक्शन खत्म हो गया है. अब हम देखेंगे डियर. एक्चुअली ये डियर जैसे दिख रहे हैं लेकिन इसका नाम है गोरल. मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये ऐसे लग रहा है डियर है लेकिन नाम गोरल है. और ये है वो. ये देखिए कितने क्यूट क्यूट लग रहे हैं. बकरी और डियर का मिक्सचर नहीं लग रहा. बकरी डियर और डोंकी. गाइस मेरे को तो एनिमल्स और बर्ड्स जितना अब तक के देखा वो देख के बहुत मजा आई. अब यहाँ पे भी कुछ है. ये शायद डियर ही है पता नहीं या फिर वही ब्रीड है या समझ में नहीं आ रहा. क्योंकि मेरे को अभी नाम नहीं दिख रहा है. उसका बोर्ड आ गया तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ फिर आपको बोर्ड दिखाऊंगी. देख तेरा कैमरा देख के भाग जाओ. ओ भाई सुन तो गाइस ये देखे कितना नजदीक आ गया है. और वो वहां पे देखे वो जो मैंने आपको दिखाया था जिसका मेरे को बोर्ड नहीं दिखा था वो था बार्किंग डियर. ये देखे यहाँ पे बोर्ड है बार्किंग डियर. मतलब ये लोग भौंकते होंगे पता नहीं.
आई स्वेयर। और यहाँ पे बहुत सारे लव बर्ड्स जो बहुत ही कॉमन है, मेरे को ये देख के बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है क्योंकि हम नॉर्मली भी देखते हैं। तो गाइस मेरे को बहुत मजा आ रही है, आज मैं कोई अलग जगह पे गई, मतलब माउंटेन्स और ग्रीनरी छोड़ के मैं आज कोई अलग जगह पे आई हूँ, मेरे को इतना मजा आ रहा है। हम बहुत बार इसके सामने से निकले पर लेकिन घूमने का मौका आज मिला। गाइस अभी हम आए हैं लायन देखने के लिए। गाइस वो देखो कैसे बैठा हुआ है। तो गाइस एक देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, दो लायंस है यहाँ पे टोटल। गाइस लायन को देख के बहुत मजा आया। मैं अहमदाबाद वाले जू में गई हूँ, वो वाला जू पता है कैसा है, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा जाली जाली लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी जाली वाली नहीं, वो डीप में है और आपको मतलब क्लियरली लायन दिखता है वहाँ पे। मेरे को वो वाला जू ज्यादा अच्छा लगा। गाइस मैं मुंबई से हूँ ना, मेरे को नॉर्थ वालों की हिंदी बहुत अजीब लगती है, मतलब प्लीज डोंट माइंड, लेकिन हमसे ना नॉर्थ वालों की हिंदी थोड़ी अलग है। अच्छी हमारी हाँ मतलब प्योर होती है, नीट एंड क्लीन होती है, और हमारी थोड़ी रफ होती है। गाइस अभी आपको जो एनिमल दिखाऊंगी ना वो तो देखना ही देखना, क्योंकि ये एनिमल सिर्फ मतलब यहाँ पे एक ही जगह पे, ठीक है, और वो देखने के लिए मैं कम से कम 500 मीटर चल के आई हूँ, वो भी स्लोप वाला, और स्लोप चढ़ के जाने वाली हूँ, तो ये तो आप देखना ही देखना, और देख के ना लाइक तो करना ही करना, क्योंकि इसके लिए ना मैंने बहुत मेहनत की है। चल गया है। तो ये देखिए ये एनिमल का जो नाम है ना, इसका नाम है सांबर, और ये क्या? हम ये देखने के लिए ये एनिमल को देखने के लिए हम बहुत लंबा चल के आए हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मोनिका सुन, तूने चीज नोटिस की? इसके सींग में पता नहीं एक दो के ऊपर सींग, और सींग के ऊपर बाल जैसे हैं अजीब से। वो देखो हाँ अजीब से बाल है ना। हाँ, इसके सींग किसी किसी के ऊपर सींग नहीं है और किसी किसी के ऊपर है, जिसके ऊपर है उसके ऊपर बाल है। राइट राइट राइट। नोटिस की? वाह यू हैव गुड आईज रोहित। ये देखो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, इसका सिंग है और उसके ऊपर बाल है, देखिए बहुत सारे। गाइस बहुत ही बड़ा जू है, और पूरे रास्ते ना स्लोप स्लोप वाले है, मतलब हिमाचल में जंगल भी पहाड़ों पे। ये देखो पूरा जू जंगल जैसा ही है। तो गाइस मेरे को दूर से दिख गए ऑस्ट्रिच, और वो भी दो इतने बड़े बड़े, आपको दिखाती हूँ। ये देखो कैसे देख रहे गाइस, ये जू इतना बड़ा है और पूरा स्लोपी वाला है ना, अंदर का रास्ता मैं तो चलते चलते ही थक गई। नहीं लाया ना, गाइस ये लेपर्ड को देखो। हाँ ये शिकार के उसमें फिराक में। ये देखिए सीधा जाली के एकदम नजदीक ही आ चुका, एग्जैक्ट वो लेपर्ड प्रिंट होती है ना वैसा है उसके बैक पे। ओ लुक एट हिज आईज गाइस, ये देखो ये ब्लैक कैट है। तो गाइज मैंने जू देख लिया एंड इट वाज वेरी नाइस। मैं पूरा तो नहीं देख पाई लेकिन जितना देखा वो मैंने आपको दिखाया, इट वॉज अमेजिंग। जब भी आप धर्मशाला आओ या मैक्लॉयडगंज बच्चों के साथ आओ, और अगर उनको बोर होगा तो आप ये वाले जगह पे ज़रूर आ सकते हो, इट्स वेरी नाइस। बहुत ही मज़ा आया। अब हम ले रहे एग्जिट और हम जा रहे हैं यहाँ से। तो अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए, बाइक में चाबी डालते हुए, अब बाइक को पीछे लेते हुए, सॉरी आई मिस्ड इट। और ये गाइज मैंने आपको बोला था ना कि मैं जाते वक्त आपको बताऊंगी कि बच्चों की फीस क्या है, तो बच्चों की फीस ओनली 10 रुपीज थी एंड इट वॉज अमेजिंग। बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बहुत सारा सपोर्ट देना, प्यार देना, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं अब निकल रही हूँ घर, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।